एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक श्री ऋषभ देव शास्त्री पिछले दिने अपने स्वासां दी पूंजी नू खर्चते हुए परमात्मा दे चरणा विच जा बिरा छे। उना दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उना दे समूह परिवार वल्लों जिना विच श्रीमती मोहिनी ऋषि, अरमान शास्त्री, रोहित कौशल, मिला चिराग शास्त्री, मिली सहारा माही अते उना दे समूह परिवार वल्लों श्री दुर्गा माता मंदिर दुगरी लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे जानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्साए मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। श्री ऋषभ देव शास्त्री जी का जन्म पिता पंडित श्री जगन्नाथ ज्योतिषी जी दे घर माता श्रीमती तारावती जी दी कुखों समराला विखे 15 नवंबर 1952 नूं होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाने अते होनहार प्रतिभा दे मालक सन। आप जी ने MA संस्कृत करन उपरंत PhD एस्ट्रोलॉजी विच कीती, उपरंत आप जी कुरुक्षेत्र यूनि विच बतौर प्रोफेसर सेवावां निभाउण लगे। थोड़ा समा इत्थे सेवावां देण उपरंत आप जी ने अपने पिता पुरखी किते एस्ट्रोलॉजी नूं अपनाया। इस काम नूं आप जी ने बहुत ही मेहनत, लगन अते सेवा भावना नाल कीता अते इस काम विच आप जी ने बहुत उन्नति हासिल कीती। मौजूदा समय विच आप जी दे देशां विदेशां विच चाहण वाले मौजूद हन जो अज भी आप जी नूं याद करदे हन। आप जी दा व्याह सन 1974 विच श्रीमती मोहिनी ऋषि जी हुणा नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटे अरमान शास्त्री अते रोहित कौशल ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे दोनों बेटे अरमान शास्त्री अते रोहित कौशल ऑस्ट्रेलिया दे सिटीजन हन अते अपने माता जी अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चल के उनां दे नाम नूं चार चंद लगा रहे हन। आप जी दे बेटे अरमान शास्त्री जी अपने पिता जी दीआं पाईआं पिरतां ते चल के उनां दे कारोबार नूं भी अगे चला रहे हन। श्री ऋषभ देव शास्त्री जी हुणां दे पोतरे चिराग शास्त्री जी कुछ समय तक पायलट बन जा रहे हन अते श्री ऋषभ देव शास्त्री जी दा अपने पोतरे चिराग शास्त्री नाल बहुत ही गहरा मोह सी। इस तों इलावा आप जी अपनियां पोतरियां मिली सहारा अते माही नूं भी बहुत ही प्यार करिया करदे सन। श्री ऋषभ देव शास्त्री बहुत ही उच्ची सोच वाले इंसान सन अते आप जी दा काफी जीवन संघर्षां भरिया जीवन रहा, पर आप जी ने अपनी जिंदगी विच कदे भी हिम्मत ना हारी अते आप जी ने अपनी मेहनत अते अपने दृढ़ हौसले दी बदौलत बहुत ही नाम कमाया। मौजूदा समय विच पंडित ऋषभ देव शास्त्री जी दा नाम ना केवल कल्ले लुधियाने विच बल्कि पूरे पंजाब अते पूरे विश्व विच प्रसिद्ध है। पंडित ऋषभ देव शास्त्री नेम अते फेम तो परे इंसान सन। आप जी मेहनत करके हमेशा ही लोकां दा भला करिया करदे सन। इस तों इलावा शास्त्री जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालक सन, जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। गोविंद गोपाल गाते चलो, सुख में तड़पो मते सुख में फूलो मते, दुख में तड़पो मते सुख में फूलो मते, प्राण जाए मगर नाम भूलो मते, प्राण जाए मगर नाम भूलो मते, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे ग
कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, अपने मन से तुम कृष्ण को ले जाते चलो, अपने मन से तुम कृष्ण को ले जाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को पिछड़ों के विष से हटाते चलो, मन को पिछड़ों के विष से हटाते चलो। नारायण नमस्कृतम नरेन्द्रो देवी सरस्वती के ततो जय मुदीरति सच्चिदानंद रूपाय विष्णु प्रत्यागेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वय नमः। गरुड़ भगवान की जय। आज हम यहाँ दिव्यांग आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रभु के चरणों में ध्यान करते हुए अपना नाम ग्रहण करें। करुण जी महाराज गुप्ता के पुत्र नारायण भगवान से कहते हैं कि हे गोविंद हे माधव, आपने मुझे गुप्त के भीतर उत्तर यम लोग की यात्रा के बारे में बताया, भक्त लोग के बारे में बताया, पुत्र के कर्तव्य के बारे में बताया, मनुष्य के जीवन के बारे में बताया, मनुष्य के कर्तव्य के बारे में बताया। इस ज्ञान को सुनकर के मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जात जंजीर। जो भी प्राणी संसार में जन्म लेकर के आया है तो जिस भी प्राणी का जन्म होता है माता की कोख में जब वो आता है उसी दिन विधाता उसके मृत्यु का समय भी निश्चित कर देता है कि कब कहां किस जगह पे किस कारण से तुम्हारी मृत्यु होगी। परमात्मा के यहाँ से वृद्धि इस सांस से हमको मिलती है, जिस सांसों के द्वारा हम चलते हैं और जिस दिन सांसें पूरी हो गई उस दिन प्राणी एक मिट्टी का ढेर बनके सूखी लकड़ की तरह जमीन में इस तरह गिर पड़ता है, इसमें कोई ताकत नहीं रही, कोई बल नहीं रहा। फिर जिसको मेरा मेरा कहते हैं, मेरा पिता, मेरा बंधु, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे रिश्तेदार, मेरी पत्नी, जिसने सात फेरे हमारे साथ में लिए पत्नी ने अग्नि के समक्ष ये शपथ ग्रहण की कि जीते मरने में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। वो भी कहते हैं कि चार महीना तक तैयार हो गए, छह महीना सगा भाई, चार महीना तक तैयार हो गए, छह महीना सगा भाई, अंत समय तक मेरी माता रो गए, तज गया आस पर आई अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं, बिना राम रघुनाथ के अपना कोई नहीं रे, अपना कोई नहीं। भगवान कहते हैं इस पत्नी के साथ बड़े साथ से लेता है, कसम खाता है कि जीते मरते में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। वो भी केवल घर के दरवाजे तक हमारा साथ देती है। जिस पुत्र के लिए हम याचना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं, वो भी केवल संसार भूमि तक
अग्नि काल तक हमारा साथ देता है, अलता वो भी हमारा पीछा छोड़ देता है। फिर मेरे मेरे किसने करता है प्रभु? आनंद रामायण में छोटी सी कथा आती है कि जिस समय महाराज रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध समाप्त होने पर जा रहा है, प्रभु श्री राम ने महाराज रावण की नाभि में तीर मारा, जिससे अमृत कलश जो था वो सूखा। रावण धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा कि लक्ष्मण, ये रावण बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, आप रावण के पास जाओ, जाकर के कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके आओ। प्रभु की आज्ञा से उद्धार करके शेषनाग अवतार महाराज लक्ष्मण गए, जाकर के कहा, महाराज मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आप बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हो, आप मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करो। एक बार कहा, दो बार कहा, लेकिन महाराज रावण ने महाराज लक्ष्मण की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। क्रोधी अवतार लौट करके आ गए, प्रभु आपने किसके पास भेज दिया मुझे? आप कहते विद्वान ब्राह्मण है, कुछ ज्ञान लेने आओ। अरे वो तो घमंडी ब्राह्मण है, मैंने उनसे ज्ञान मांगा तो बात भी नहीं करी, ज्ञान देना तो बहुत दूर की बात है। प्रभु श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण जब अपने से बड़े के पास जाओ, कुछ ज्ञान लेने के लिए जाओ, तो नम्र स्वभाव पैदा करो, दूसरा चरणों की तरफ खड़े होना, तीसरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करोगे तब आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, अर्थात कुछ नहीं प्राप्त होगा। शेषनाग अवतार प्रभु श्री राम की बात सुनकर के दोबारा से रावण के पास गए, चरणों की तरफ खड़े हुए प्रणाम किया, महाराज मेरा नाम लक्ष्मण है, मेरे भाई श्री राम ने मुझे आपके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा है, आप बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हो, मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त कराओ। रावण हंस पड़ा, ये तो भूमि में लेटा है, हंस पड़ा, लक्ष्मण मैं तुम्हें जानता हूं, अरे पूरी पृथ्वी का भार उठाने वाला शेषनाग अवतार लक्ष्मण आज मेरे जैसे तुझे ब्राह्मण से ज्ञान लेने के लिए आया है, मैं तुम्हें क्या ज्ञान दूं? लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मण के पास कोई भी आए, गुरु के पास कोई भी आए, खाली हाथ ना जाए, यही गुरु है वही ब्राह्मण कहलाता है, मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा, आप आए हो मैं ज्ञान देता हूं, तो दो ही शब्दों का ज्ञान है लक्ष्मण, मेरे पास ज्यादा नहीं है, कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, ये देखा कि कर्तव्यं सु भोक्तव्यं, जो भी अच्छा कर्म करना है तुरंत कर दो, किसी की सलाह मत लो, किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के कुछ शुभ मुहूर्त मत निकलवाओ, कि देखना महाराज मैंने उस दिन हवन करना है, ये अग्नि का वास है कि नहीं है, कि पाताल लोक में पृथ्वी लोक में क्या है, वो शुभ काम करना हो तुरंत कर दो, और बुरा काम करना हो तो बार बार सोचो समझो, परिवार के रिश्तेदारों की सलाह लो, तब जाके कोई काम करना चाहिए। लक्ष्मण मैंने अपने जीवन में चार अच्छी बातों का संकल्प किया था, चार बात कौन कौन सी, कि सबसे पहले मैं अग्नि के अंदर धुआं नहीं लगने दूंगा, पहला संकल्प था, दूसरा कि सोने के अंदर मैं पैदा कर दूंगा, जिससे आदमी सोने को सूंघ करके बताते कि असली है या नकली है, तीसरा और तीसरा मेरा संकल्प है कि हमारे स्वर्गीय पिता श्री ऋषभदेव जी हर शोध पत्र में भी यही लिखते हैं, आज हमारे स्वर्गीय पिता श्री ऋषभदेव जी का स्वर्गवास हो गया है, अभी किसने देखा है कि वो स्वर्ग लोक में गए हैं या नर्क लोक में गए हैं या ब्रह्म लोक में गए हैं या गोलोक धाम में गए हैं,
केवल सुनने को आया है। मैंने ये विचार बनाया कि मैं अपनी शक्ति के द्वारा, अपने बल के द्वारा इस भूमंडल से, पृथ्वी लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक पौड़ियां बना दूंगा, सीढ़ी बना दूंगा, जिससे प्रभु किसी को स्वर्ग में आने जाने में तकलीफ ना आए, दिक्कत ना आए, कोई ये ना कहे कि मैंने स्वर्ग देखा ही नहीं। चौथा संकल्प रावण का, और हम हर प्राणी याचना करते हैं कि परमात्मा हमें एक पुत्र अवश्य देगा। हर प्राणी याचना करता है क्योंकि पुत्र जो हमारा होता है वो हमारे वंश को बढ़ाने वाला होता है। पुत्र जो हमारा होता है वो हमारे घर का दीपक कहलाता है। पुत्र हमारे परिवार का नाम रोशन करने वाला होता है। ताकि हम ये आस लेकर के चले कि पुत्र हमारा बुढ़ापे में हमें कमा करके खिलाएगा, या हम जब वृद्ध होंगे तो हमारा पुत्र हमारी सेवा करेगा। कोई किसी की सेवा नहीं करता, कोई किसी को कमा के नहीं खिलाता। जहां जहां परमात्मा ने आपका चुगा डाला है, वहां किसी ना किसी रूप में जाकर के हर आदमी अपना चुगा खा ही लेता है। और सीधी सी बात है कि आज अगर तुमने अपने माता पिता की सेवा की है तो कल को पुत्रों से सेवा कराने के हकदार हो। अगर तुमने माता पिता की सेवा नहीं की तो तुम भी सेवा कराने का हकदार नहीं हो। चाहे कोई गरीब है, धनी है, चाहे कोई विद्वान है, चाहे कोई मूर्ख गवार है, केवल पुत्र की हम याचना करते हैं वो किसलिए करते हैं कि पुत्र अंत समय में, जब मेरा अंत समय आए तो पुत्र मेरी अर्थी को अपने कंधे पे लाकर के शमशान भूमि तक ले जाए, इसी की मेरी मुक्ति हो जाए। क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि जिसके पुत्र नहीं होता उसकी भी गति नहीं होती। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि गुरु मिल हो न ज्ञान, ज्ञान वैराग्य बिगारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर संहारे। जैसे गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना हमारी गति नहीं होती, ऐसे ही पुत्र के बिना भी हर प्राणी की गति नहीं होती जब तक पुत्र अपने हाथों से हमारी क्रिया ना करा दे। और इसके लिए एक मनुष्य नहीं, हम कहें कि मनुष्य एक पुत्र की याचना करता होगा, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी याचना रखते हैं कि हमारे घर में, हमारे कुंड में एक ऐसा सुपुत्र हो जो अंत समय में हमारी क्रिया करा सके, क्रियाओं का लोप नहीं कर सके। अब उसी कथा में से दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, वो भी आनंद रामायण की कथा है। एक समय इंद्रा के टाइम, जिसका नाम आपने भली भांति सुना है, गिरिराज जटायु ने एक बार महाराज दशरथ के प्राण बचाए थे। तो महाराज दशरथ ने कहा, गिरिराज जटायु आज आपने हमारे प्राण बचाए हैं, इसके बदले में जो आपने मांगना है हमसे मांग लो, हम देने को तैयार हैं। गिरिराज जटायु हाथ जोड़ करके प्राण करता है कि राजन, मैं आपकी राज्य सीमा में रहता हूं और आपकी राज्य सीमा में ऐसा कोई जीव जंतु पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा नहीं जो किसी प्रकार का कष्ट भोग रहा हो, किसी को दुख तकलीफ हो। क्योंकि राजा कहलाने लायक वही होता है जिसके राज्य में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं क्या मांगू आपसे? बोलते ही नहीं, आपने हमारी जान बचाई है, इसके बदले में जो मांगना चाहो मांग लो, हम देने को तैयार हैं। बार बार कहने पर गिरिराज जटायु ने प्रार्थना की कि राजन, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे पहले तीन वचन दो कि जो मैं मांगू वो आप मुझे दोगे या नहीं दोगे। महाराज दशरथ कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप जानते नहीं हम सूर्यवंशी राजा हैं, हमने एक बार जो कह दिया अपनी जुबान से वो सत्य है, पत्थर की लकीर है। तो ठीक है राजन, आपने कह दिया, मैंने मान लिया। राजन मैंने सुना है कि जिसके पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती। और हाँ, तो तुम दो भाई हैं, गिरिराज जटायु
दूसरा संपर्क। हम दोनों भाइयों के कोई पुत्र नहीं है। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि राजन, जो आपका ज्येष्ठ पुत्र हो उस ज्येष्ठ पुत्र को आप मुझे दे देना, जिससे कि अंत समय में आपका पुत्र हमारी क्रिया अपने हाथों से विधि विधान से करा सके, जिससे हमारी गति हो सके, हमारी दुर्गति ना हो, हमें किसी भूत योनि में प्रेत योनि में भटकना ना पड़े। महाराज दशरथ कहते हैं, तथास्तु, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं। तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी का हक वरदान बनता है पिता की चिता में अग्नि लगाने का। यह सबसे जो छोटा पुत्र होता है, अगर नहीं है ज्येष्ठ पुत्र इसी कारणवश, तो कहते हैं कि जो छोटा बेटा होता है वो अग्नि दान कर सकता, बीच वाला नहीं करता। कुछ शास्त्रों का विधान, कुछ विद्वान ब्राह्मणों का, कुछ संतों का विधान, कुछ समाज का विधान ऐसे सुनने में मिला है। कभी कभी तो यहां तक भी कहते हैं कि बीच वाले को श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए? तो पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है तो क्या बीच वाला लेता नहीं है क्या? तो श्राद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? तो यहां किसी संत का हमको थोड़ा सा पत्र मिला के देखो भैया, अगर हमारा चूल्हा एक है, रसोई एक है, परिवार हमारा एक बंधन में है, तो ज्येष्ठ पुत्र को ही सारे कर्म करने चाहिए। अगर परिवार हमारा अलग अलग हो गया, चूल्हे अलग अलग जलने लगे, तो अपने अपने घरों में सभी क्रिया करा सकते हैं, पितरों का जो भी कर्म होता है वो कर्म कर सकते हैं। वो जो ज्येष्ठ पुत्र हो आप मुझे दे देना, महाराज ने कहा तथा सुझाओ, ऐसा ही होगा। समय का प्रबंधन हुआ, महाराज दशरथ का जो वरण हुआ, तो आप भली भांति जानते हो कि ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते प्रभु श्री राम ने उनका दाह संस्कार अपने हाथों से नहीं किया। हाँ, गिद्राज जटायु का जब अंतिम संस्कार हुआ तो प्रभु की गोदी में ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, सिर पे हाथ फेरा, कहा कोई बात नहीं गिद्राज जटायु, आप स्वस्थ हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। नहीं महाराज, मुझे ठीक नहीं होना, आपके पिता ने मुझे वचन दिया है, वो वचन याद करो और मेरा अंतिम संस्कार अपने हाथों से करो। कहने का मेरा भाव, एक मनुष्य नहीं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी चाहते हैं कि हमारे कुल में धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हो, जो अंत समय में हमारी क्रिया करा सके, क्रियाओं का लोप नहीं कर सके। तो रावण कहता है कि लक्ष्मण, पुत्र की याचना इसलिए करते हैं, लेकिन आगे आगे जाके घोर कलयुग आएगा। अभी तो कलयुग का स्टार्ट हुआ है, अभी देखने को उनको क्या मिलता है कि हमारे दादाजी घर में बैठे हुए हैं, पिताजी बैठे हुए हैं, चाचा ताऊ बैठे हुए हैं, जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, जवान बेटे की अर्थि को कंधे पे लाद करके पिता संसार भूमि ले जा रहा है। तो रावण का ये चौथा संकल्प था कि पिता से पहले मैं पुत्र को नहीं मरने दूंगा। चार बातों का संकल्प रावण का, लेकिन अपमान, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, जब मैं चाहूं कर सकता हूं, मुझे कौन मारने वाला है? मेरे नाभि में अमृत है, अरे एक तो पुत्र समान की बात नहीं, लकड़ी के नहु ना दही। रावण के 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती थे, 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती, लकड़ी के नहु ना दही, कुसुमियों ने बल राजा वसुधा कालों की बने। और जिसके 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती हो, इतना बड़ा परिवार हो, और अंत समय में उसे लकड़ी देने वाला भी कोई नहीं बचे, तो उसको क्या कहेंगे? कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हर आदमी अपने कर्मों का भाग का ही फल भोगता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल भोगोगे, बुरा कर्म करोगे तो उसका परिणाम आपको ही भोगना है, अन्यथा कोई दूसरा नहीं भोगेगा। नारायण भगवान कहते हैं कि गरुड़,
मनुष्य के कर्म के बारे में जितना भी मैं कहूं उतना ही थोड़ा है, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही केवल कर्म करने के लिए होता है। यहां कई जगह देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है, कभी कभी अपने जिज्ञासा हम कह भी देखते हैं कि आज हमारे समाज में जितने पढ़े लिखे बच्चे, जितनी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, उतने ही माँ बाप के लिए घातक बनते जा रहे हैं। आज से कुछ समय पहले 35 साल लुधियाना में मेरे को हो गए, मैंने कभी नहीं सुना कि लुधियाना के अंदर कोई वृद्ध आश्रम है, लेकिन 25 साल से 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि लुधियाना के इस कोने पे भी वृद्ध आश्रम, उस कोने पे भी वृद्ध आश्रम, उस कोने चारों तरफ वृद्ध आश्रम हो गए। और ये किसके लिए है? जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, जो बहुएं अपनी सास की सेवा नहीं कर पाते, बड़े बड़े घर वालों की बात कर रहा हूं मैं, गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी को बड़ी बात कर रहा हूं। उस समय कड़वा जरूर लगेगा आपको, बड़े बड़े वृद्ध आश्रमों में जाकर के देखो, अगर कोई वृद्ध है, किसी के आगे पीछे कोई नहीं है, वहां संस्था के पास जाओ, महाराज ये हमारे मोहल्ले में बुढ़िया रहती है, इसके बेटा बेटी कोई नहीं है, ये वृद्ध है, इसको अपने आश्रम में रख लो, तो वहां के सरमाएदार एक ही जवाब देते, इसका खर्चा कौन उठाएगा? तो वृद्ध आश्रम का मतलब क्या हुआ? बोले अनाथों के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े जो सरमाएदार पैसे वाले कोटी वाले होते हैं उनके लिए वृद्ध आश्रम खुला है, कि जिनकी बहुएं लड़ती हो सास से, उनको यहाँ भर्ती कराया जाए, उनका लाख लाख सवा सवा दो दो लाख रुपए महीने का खर्चा देते हैं, फिर जाकर के उनकी सेवा भाव होती है। समाज सुधारने के लिए अनेक प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन इस चीज पर कोई ध्यान नहीं देता कि ऐसा कर्म करो ही क्यों, जिससे कि हमारे माता पिता वृद्ध आश्रम में जाकर के रहे, जैसे कि तुम्हें पाला पोषण पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जब समय में हमें वृद्ध आश्रम में छोड़ देना। एक पिता एक माता अपने 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चों से एक माता पिता की वृद्ध आश्रम में बुढ़ापे में सेवा नहीं हो पाती। नारायण भगवान कहते हैं करो पुत्र के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही थोड़ा है। समय के प्रभाव के अनुसार आज हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री ऋषभदेव शास्त्री जी महाराज, उनकी बहुत ही बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, शास्त्री भी थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, आज संसार की यात्रा को बोल करके दिव्यानंद आत्मा प्रभु चरणों में लीन हो गई है। आत्म शांति के लिए, श्रद्धांजलि के लिए सभी भाई बंधु माता मेरे एकत्रित हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी मोहिनी ऋषि देवी है, अरमान शास्त्री जी जिनके पुत्र हैं, रोहित कौशल जी जिनके पुत्र हैं, चिराग शास्त्री जी जिनके पोते हैं। ये बड़ी अच्छी बात चिराग शास्त्री जी के बारे में जो मैंने सुनी कि अपनी प्रथा को चलाते रहना चाहिए। जो पिता हमारे कर्म करते हैं हमें वो कर्म कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। जिस रास्ते पे हमारे माता पिता ने हमको डाला, जिस रास्ते से वो चले, उस रास्ते को बरकरार रखना चाहिए। तो आज पूरे परिवार के लिए 100वां संदेश श्री दुर्गा माता मंदिर कमेटी की ओर से आया है। परिवार के दुख में वो दुखी होकर के ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, और केवल 1 मिनट का मौन धारण करके हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आत्मनगर लुधियाना गवर्नमेंट पंजाब श्री कमेटी सितोली एमएलए साहब, उनकी ओर से शर्मा जी के लिए शोक पत्र आया है, वो परिवार के दुख में शब्द होना चाहते हैं। सजानंदी सिंह अर्मेजा जी, इनकी तरफ से भी 100वां पत्र परिवार के लिए आया है।
एक मिनट का सभी मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लुधियाना सिटीजन काउंसलर रजिस्ट्रेशन बोर्ड से भी विश्व दिवस माही की शोक सभा में एक पत्र उन्होंने भेजा है। आपके दुख में सम्मिलित हुए, परिवार के दुख में सम्मिलित हुए, मानते सत्कार योग पंडित जी महाराज शोक सभा में बैठे मेरे भैन ते भराओ, कहते जने जने तो भगत जन या दादा या सू नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवाए। शास्त्री जी बहुत ही नेक इंसान सन, साधु संसार सभा मिठ बोलने उच्ची आवाज ते करी बैठी नहीं, अज उस साले दे नहीं रहे। अज उन्होंने दोनों पुत्र मैं वेख रहा सा अपने पिता के आशीर्वाद तो भी वांझे हो गए। उन्होंने धर्मपत्नी जिन्हों के मैं अपनी भैन धी समझना हाँ, अज अपने पति के सिर तो उन्होंने हाथ उठ गए। भैन पूछा जाए जी बड़ी चाह अपने प्राइज में रखड़ी बनती है, अज वो भैन भी निराश होकर बैठी हो। भरा जे बह आज निकल जाए बिचों तो उन्होंने मन में पूछा जी कि दुख हों। सो इस परिवार के नाल मेरा क्योंकि मेरे बिल्कुल गुआढ़ी सन, मेरा बड़ा संपर्क सी, बड़ा प्यार सी, अब बड़ा दुख हों कि शास्त्री जी नू नहीं वेखते हूँ। फिर तो पहले भाई साहब ने पंडित जी के घर परिवार भैन भरा का सारा सेवा दे दिता, पर मैं जी गल कर रहा मैं कोई अध्यात्मिक गल कर रहा जिस तरह के पंडित जी साहब क्या पदार्थ, दूसरे ने क्या परमात्मा, एक ने क्या जड़, दूसरे ने क्या चीज। अगले बुजुर्ग आए उन्होंने तीन हिस्सों में बंटता, एक ने क्या सत्यम शिवम सुंदरम, दूसरे ने क्या सात्विक राजस तामस। क्रिश्चियनिटी आई उन्होंने क्या पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। आयुर्वेद आया उन्होंने क्या वात पित्त कफ। साइंस आई उसने क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। चौथी अवस्था है तुरिया की, जिसमें परम पद और परम गत किया गया है। पंजवीं चीज है इस पंच भूतक शरीर में असं ये सारिया चीज़ा हासिल करते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। छे इस दे विच चक्कर हन, मूलाधार स्वादिष्टाधान मणिपुर अनाहत और विशुद्धा और आज्ञा चक्कर। सात रस हन, रस रस मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। अठवां है कोज जो चेहरे ते नूर हुंदा है। नौ इस शरीर विच द्वार हन, दस दिशावां हन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन्हां दे विचकार चार और एक उपर एक थल। और प्यार की दिशा जानती है इंट्रोवर्ट, अंदरों अपने आप को अंदरों ध्यान रखना। बारह जब तुम वैल्यूसिट का मैडिटेशन जो अंदर जी मैडिटेशन में बैठते सर मेरे नाल कई गल्ला साझियां करते सर। मेरा 44 साल का अपने भरा नाल मेरे वड्डे भरा बन गए मेरी जिंदगी में उन्होंने कोई। तो जो बारहवीं विधि की गल करते हैं कि जो वैल्यूसिट का मैडिटेशन कुंडलनी एनालिसिस इन योर मल्टीपल कॉलम ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲਨੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤਿਥੀ 13 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅਗਮ ਔਰ ਅਗੋਚਰ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੂ ਹੈ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗੋਚਰ ਮੈਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 14ਵੀਂ ਤਿਥੀ 'ਚ 14 ਲੋਕ ਨੇ ਸੱਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੱਤ ਨੀਚੇ ਭੂਪ ਹੈ ਸਵੈ ਜਨੈ ਤਪੈ ਮਹੈ ਔਰ ਸੱਤੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਲ ਅਕਾਲ ਵਿਕਲ ਧਰਾਤਲ ਤਲਾਤਲ ਰਸਾਤਲ ਔਰ ਪਤਾਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਔਰ 15ਵੀਂ ਤਿਥੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 15 ਪੁੰਨਿਆ ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼। ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਆਕਾਸ਼। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਦ ਸਕਾਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ
बंदा बंदगी च बैठता अपने शरीर चो अपनी रूह बाहर कट के अपने शरीर नू देख लैंदा उहनू कहिंदे ने असीं पूरन। तो जदों पंडित जी कई बार कहिंदे सन कि मेरा शरीर अपने आप च नहीं हुंदा, मैं अपने आप नू देख लैंदा। सो वो अज मेरे भरा मेरे पंडित जी शास्त्री जी अज वो पूरन हो गए ने, उन्हां दी आत्मा उस आकाश विच विलीन हो गई है, वो ते परमेश्वर इक हो गए ने। मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया इन्नी गल कह रहा हां कि उन्हां वर्गा दुनिया ते मैं पुछा नहीं। सो परिवार ने भाणा मनुण दा बल बख्शिया पाप इन्हें लखा नाम सस्ती। हमारे बहुत ही प्यारे मित्र ऋषभदेव शास्त्री जी, जिनका सन 70 से मेरे साथ संबंध बना, हम संस्कृत महाविद्यालय खन्ना में पहली बार सन 70 में इकट्ठे संस्कृत पढ़ने के लिए शास्त्री करने के लिए गए थे। तो सन 70 से लेकर के जब तक वो रहे हैं हमारा आपस में बहुत ही प्यारा रिश्ता। वो मेरे छोटे भाई जैसे थे, हमारी प्रिय भाभी जी पटियाला को बिलोंग करती हैं, मैं फिर खन्ना के बाद पटियाला में चला गया आयुर्वेद कॉलेज में, तो उनकी शादी सेट हो गई पटियाला में भाभी जी के साथ। फिर हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं पिट्टू जी जॉली जी और इनके मामा जी अजय जी, ये छोटे बैठे हैं। ये परिवार से हमारा घरेलू पारिवारिक रिश्ता बन गया, विद्यार्थी जीवन से हम एक परिवार में परिवर्तित हो गए। तो मुझे बहुत ही दुख है कि वो मेरे छोटे भाई मुझसे पहले चले गए। भगवान कृष्ण ने गीता में जो लिखा है कि जातसी ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य है, ये इंटरनेशनल यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो उस वाणी को सत्य करके चले गए, लेकिन वो शुरू से ही बड़े चंचल स्वभाव के थे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, हर बात में बहुत ही विश्वास के साथ कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जो भी किया सब हैरान थे। शास्त्री में वो किसी को तर्क वितर्क में नहीं आने देते, उनकी मित्रता जो थी वो भी बहुत ही अजीब प्रकार की थी। विशारद में जब हम इकट्ठे पढ़ते थे तो उस समय भी वो बड़े बड़े विद्वानों से टक्कर ले लेते थे, क्योंकि वो जब अपनी विद्वता पढ़ाई करते थे वो पूरे दिल से करते थे और उसी विश्वास के साथ वो अपना जीवन प्रारंभ किया और बड़े ही कॉन्फिडेंस से। चंचलता उनकी अब तक भी रही क्योंकि उनको विश्वास था, जो भी बात करते थे बड़े विश्वास के साथ करते थे। ज्योतिष का फिर उन्होंने यहाँ कार्यालय बनाया, बहुत बढ़िया जिंदगी उन्होंने व्यतीत की, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और ऑस्ट्रेलिया तक बेटों को पहुंचा दिया और खुद भी देश विदेश में घूमते, बड़ा जीवन का उन्होंने आनंद भी लिया। लेकिन फिर भी गीता में ही लिखा है कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यत् कर्मणम अकर्मणश्च बोधव्यम, कहना कर्मणो गति, लेकिन कर्मों की कुछ गति ऐसी है। हम सब कुछ जानते हुए भी भगवान का ध्यान करते हुए भी लेकिन कर्मों के हिसाब से जो है सबको जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो मैं अपने उस छोटे भाई को
अपनी हार्दिक दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को और भाभी जी को ये असह्य दुख जो बिछोड़ा है वो सहने की शक्ति प्रदान करें। नमस्कार। Yeah.